हेलो हेलो नादर खाला, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, खैरियत? हाय, मैं क्या अपनी खैरियत सुनाऊँ आपको? तायमी और राशिद तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर मुझसे सब बर्दाश्त हो जाता है। अपने बाप की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या हुआ है फयाज, तुम्हारे अब्बू को? हाँ, कोई है नहीं ना यहाँ पे जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ। किसी को कोई परवाह ही नहीं है, तो सोचा आपसे अपने दिल की बात शेयर करूँ। उस दिन आप मेरे घर गई थी, इतना ख्याल रखा हमारा, मेरे और अबू के लिए खाना बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा क्यों शर्मिंदा कर रही हो? हालांकि आपका हाथ भी कट गया था, तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रही थी कि आप ना अपने जैसी कोई मोहब्बत करने वाली, हमदर्द, प्यारी खातून का रिश्ता तो ढूंढे मेरे अब्बू के लिए। ताई अम्मी से तो कुछ भी कहना बेकार है ना, मतलब उनको तो लाजमी है कि मेरी हर बात के खिलाफ जाएं, तो उनसे तो मैं ये बात कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। पहले भी किसी को कहा था, उन्होंने तो फ्रॉड लोग रखवा दिए थे हमारे घर पे। लेकिन बेटा ये तो बहुत मुश्किल काम दे रही हो ना आप। मैं अपने जैसा मतलब मैं कहाँ से ढूंढ कर, समझ नहीं आ रही। हिम्मत करें, सोचें। खाना बहुत अच्छा बनाया था ना आपने, तो अब्बू बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। क्या ना कि खानसामा पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा बना के खिला देता होगा, तो अब्बू का ना दिल तंग पड़ गया है। अच्छा, वो ताई अम्मी बुला रही है मुझे। हाँ, तो मैं आपको बाद में फोन करूंगी, बस आपने ना मेरा ये काम करना है, बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढना है मेरे अब्बू के लिए, और अगर हो सके ना तो घर पे लाजमी जाइएगा। अब्बू आपको अपनी पसंद नापसंद सब बता देंगे। हाँ ठीक है बेटा, मैं फोन रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।